अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। रायपुर में अब तक 5,000 प्रवासी मजदूर वापस लौट आए हैं, जिन्हें रोजगार देने का प्लानिंग जोरों पर है और अधिकतम लोगों को रोजगार दे दिया गया है। सहायक श्रम आयुक्त यूके कश्यप ने बताया है कि कोरोना काल में सभी विभागों ने मिलकर काम किया है, सभी मजदूरों का ध्यान रखा जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त यूके कश्यप संवाददाता सत्य राजपूत ने उनसे खास बातचीत की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूके कच्छप सहायक श्रम आयुक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब बाहर से आने वाले लोगों की संख्या क्या रही होगी राजधानी रायपुर में जो प्रवासी मजदूर थे? जो प्रवासी मजदूर जो थे प्रॉपर रायपुर जिले की संख्या, तो जो रायपुर जिले के थे वो लोग की संख्या तो लगभग 4,000 होगी, लेकिन रायपुर के जिला प्रशासन, जो छत्तीसगढ़ का राज्य है, यहाँ के जिला प्रशासन और श्रम विभाग सभी ने जो यहाँ पर जो दूसरे राज्य से जो आ रहे थे उनको दूसरे राज्यों में भेजने के लिए जो व्यवस्था की गई, वो प्रतिदिन 5,000 से 10,000 की जो श्रमिक आते थे उनको भेजने की पूरी व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था के कारण कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। मजदूर जो है ना अपने अपने राज्यों में सकुशल जो है ना अपने घर को पहुंच गए हैं। अहम सवाल ये है कि जो मजदूर बाहर से आए प्रवासी मजदूर, कहीं ना कहीं उनको यहाँ काम नहीं मिला तो वो बाहर गए थे, अब यहाँ आ गए हैं, लॉकडाउन है, काम अभी पटरी पे है लेकिन दौड़ नहीं रही है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? शासन जो है ना पूरी तरह से उसके लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और उसमें ये किया जा रहा है कि जितने भी श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर गए थे काम की तलाश में गए थे, उन श्रमिकों के लिए यहाँ आने के बाद में उनको चिन्हांकित करने के उपरांत, चिन्हांकित तो हो चुके हैं, उनको पंजीयन करेंगे, पंजीयन करने के उपरांत उनको रोजगार के लिए अधिक अवसर दिलाएंगे। जैसे जितने जो भी उद्योग हैं प्रयास रहेगा कि उद्योगों में उनको काम दिलाएं, मनरेगा में काम दिलाएं, अभी जो गोठान का जो काम चल रहा है उसमें दिलाएंगे। इस तरह के शासन के विभिन्न योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में कहीं ना कहीं उनको नियोजित करके उनको अच्छी मजदूरी, आर्थिक स्थिति उनको लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी आपने सहायक श्रम आयुक्त को सुना, जिसने का कहना है कि जो नियमानुसार जो व्यवस्था करना था उचित व्यवस्था होने का नतीजा ये रहा कि जो दूसरे राज्य से मजदूर आए हैं आज भी वो यही हैं, जिसके कारण यहाँ के फैक्ट्री कारखाने सरपट काम वहाँ जारी है। तो इस तरह जो व्यवस्था की गई है वो काबिले तारीफ है और जो बाहर से मजदूर आए हैं उनकी उचित व्यवस्था की जा रही है ताकि वो बेरोजगार न रहे, उनके घर में चूल्हा जलते रहे। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।